हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रमन इंडियन। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जितने भी वेटिंग कैंडिडेट के टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, एक अपडेट निकल कर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप टेक्नीशियन का वीडियो नहीं बनाते हैं, केवल ALP का वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ALP का बहुत मात्रा में लगभग 100% में सभी का वेटिंग क्लियर हो चुका है, और हमारे टेक्नीशियन के जितने भी कैंडिडेट हैं वे सभी मायूस हो रहे हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा, इनके बारे में कुछ बताया जाए। तो उसी संबंधित से मैं यह वीडियो बना रहा हूं, और यह वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी टेक्नीशियन के कैंडिडेट थे, उन सभी का एक फिर से सर्कुलर जारी करके रेलवे भर्ती बोर्ड दिल्ली द्वारा, रेलवे मंत्रालय दिल्ली द्वारा मांगा गया था कि इन सभी का जितने भी सीट वैकेंट है आप ये मुझे लिख कर दें। उन सभी का डाटा, जितना भी वेटिंग में था, उन सभी का डाटा लगभग में हर एक बोर्ड से रेल मंत्रालय के पास पहुंच गया है। और ये डाटा जो है, जिस बोर्ड में जितने कैंडिडेट हैं उन सभी का लगभग में वहां डाटा पहुंच चुका है। दोस्तों, ALP में ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी, क्योंकि ALP में ज़्यादा कैटेगरी नहीं है, बस केवल ALP है, इसलिए उन लोगों का जल्दी से जारी कर दिया गया। और टेक्नीशियन में बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है, इसलिए थोड़ी हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगले हफ्ते तक हमें खुशखबरी मिल जाएगी। और जितने भी डाटा था हम लोगों का, वो डाटा रेल मंत्रालय के पास पहुंच गया है। आई होप कि जल्दी से जल्दी यह डाटा हम लोगों के पक्ष में निकल कर आए और हम लोगों का वेटिंग क्लियर हो। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत दिक्कतों का सामना किया है, 3.5 साल होने को चला है, अब हम लोगों का नंबर आने ही वाला है। आप लोग पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए। जो भी भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। और आपके एक लाइक से, सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। जहाँ तक बात है ALP कैंडिडेट की, जैसे कि मैं एक बोर्ड का बात कर रहा हूँ, अजमेर बोर्ड की, तो अजमेर बोर्ड के जितने भी वेटिंग भाइयों का ALP से क्लियर हुआ है, उन सभी का बिलासपुर जोन में डाइवर्ट किया गया है। टेक्नीशियन का भी यही होने वाला है, चाहे टेक्नीशियन का वेटिंग किसी भी तरह क्लियर होना ही है, चाहे वो डाइवर्ट पैनल से क्यों ना हो, हम लोगों को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। एक बोर्ड में ना होकर दूसरे बोर्ड में भी हम लोगों को जाना पड़ सकता है, तो दोस्तों हम लोग क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और जिन भाइयों का, मैं एक बात और बता दूं कि 3 साल होने को चला है, इसलिए अधिकतर चांस बनता है कि हम लोगों का मेडिकल फिर से होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सजग हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ, और अपने मेडिकल को एक बार पुनः अपने नज़दीकी अस्पताल में जाके अपने बॉडी पार्ट्स को चेक करवा ले कि किनका आँख 6x6 है, किनका 6x9 है, इस तरह के, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करके हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अगले हफ्ते आने तक में सभी का वेटिंग का पैनल जारी होने वाला है, इसलिए आप लोग मेडिकल के लिए तैयार रहें, इस बार कोई चूक ना होने पाए, इसलिए आप लोग अपना अपना मेडिकल सुनिश्चित कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो 10 से 15 दिनों 20 दिनों के अंदर में, वो अगर मामूली दिक्कत होगी तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है, ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत हम लोगों को ना हो। इसलिए मैं आप लोगों को यह वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था, मुझे जितनी जानकारी मिली उतनी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इससे आगे मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पहले ALP और टेक्नीशियन एक साथ किसी भी
प्रोटेस्ट में शामिल थे, हम लोगों का एक लड़ाई था, एक मंसूबा था, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं। एएलपी तो निकल गए हैं, अब हम लोग फंसे हुए हैं टेक्नीशियन के कैंडिडेट। इसीलिए आप लोग इस मौका को न गवाते हुए अपना अपना मेडिकल सुनिश्चित कर लें, बहुत ही जल्द हम लोगों का वेटिंग जारी होने वाला है। और अजमेर बोर्ड की मैं बात करना चाहता हूँ तो लगभग 500 से 600 के अप्रोक्सीमेट लगभग कितना कैंडिडेट का डाटा रेल मंत्रालय के पास पहुँच गया है, यानी कि जितनी सीट वैकेंट थी ऑल इंडिया में लगभग लगभग उससे कहीं ज़्यादा ही सीट के वहाँ पर डेटा पहुँचा है, और वो डेटा बहुत ही जल्द पैनल के रूप में हम लोगों को मिल सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग जिस बोर्ड से थे, हो सकता है कि वो बोर्ड हमको ना मिले, हम लोगों को डाइवर्ट कर दे, तो इंडिया में किसी भी बोर्ड में हम लोगों को दे तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे वहाँ पर जॉब, बिल्कुल करेंगे। और वेटिंग तो हमारी पहले भी क्लियर हो जाती, लेकिन कुछ कुछ बोर्ड के जीएम के चलते ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर से रेल मंत्रालय के अनुसार उनके द्वारा एक बार डाटा मांगा गया था जो 1 जुलाई तक का समय था। तो आई होप कि सभी बोर्ड अपना अपना डाटा बिल्कुल दे चुके होंगे और इस बार दिए भी हैं, तो इसीलिए आप लोगों को 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर खुशखबरी मिल जाएगी। तो आप लोग तैयार रहें और अपना अपना मेडिकल सुनिश्चित कर लें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि इस बार सभी का वेटिंग क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग समाज में एक मजाक का पात्र न बन सके और हम लोगों के द्वार पे भी खुशियाँ आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।